इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। देखिए, 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर के एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एनडीए के बड़े नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पे पहुंचे थे और मंथन लगभग 1 घंटे तक चली थी। लेकिन अब देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार वो जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पे उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे हुए हैं और पहले से मनीष वर्मा जदयू के प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और तस्वीर देखिए, ये जदयू के प्रदेश कार्यालय की, जहां पे सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल करके उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं करेंगे, क्योंकि रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, वहाँ के जो नतीजे रहे उसको लेकर के कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार काफ़ी जो है वो एक्टिव है और वो उस नतीजे को देखते हुए तमाम कार्यकर्ता और नेताओं में जोश भरने गए हैं कि आखिर इस बार काम कैसे करना है, क्योंकि उस नतीजे से सीएम नीतीश कुमार काफी प्रभावित हुए थे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार खुद ही रुपौली विधानसभा में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां बहुत सारी बातें कही थी, विकास को लेकर के भी चर्चाएं की थी, लेकिन नतीजा जो है सीधा विपरीत रहा है। अब देखिए, 4 विधानसभा में चुनाव को लेकर के नतीजा कैसे जो है वो पॉजिटिव रहे, कैसे जो है बेहतर नतीजे आ जाए, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और ऐसे में देखिए, सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर देखिए, किस तरीका से जो है सीएम नीतीश कुमार वो जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं और तमाम चीज़ को लेकर के जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है मंत्र देंगे कि कैसे चुनाव जीतना है, क्योंकि 3 सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज 2020 में कर चुकी थी, तो ऐसे में 4 सीट पर कैसे जो है वो जीत दर्ज हो। और देखिए तस्वीर, यह जदयू के प्रदेश कार्यालय की है, जहां पे सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे और तमाम जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो है मिले और तमाम लोगों से बातचीत भी की थी। और देखिए यह तस्वीर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, सीएम नीतीश कुमार अब जदयू के प्रदेश कार्यालय से भी निकल रहे हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करके तमाम लोगों को डायरेक्शन दे दिया है कि कैसे तैयारी जो है वो करना है, किसी भी हाल में 4 सीट पर जीत दर्ज हो कैसे जो है वो तैयार करना है, क्योंकि जो नतीजे रहे रुपौली वो नतीजे नहीं आए, वो उम्मीद लेकर के पहुँचे और तमाम लोगों को डायरेक्शन दे दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि 3 सीट पर जो महागठबंधन की जीत दर्ज थी उसका क्या कुछ होगा, क्या कुछ जो है नतीजे रहते हैं। 4 सीट पर जीत दर्ज करने की बात एनडीए की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अब जो है सीएम नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं और एनडीए की बैठक के बाद जदयू के प्रदेश कार्यालय अचानक पहुंच करके तमाम नेताओं के साथ बैठक करते हैं, चर्चाएँ करते हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ से निकल गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।